नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव के तहसील में आज कांग्रेस पार्टियों ने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार व शासन प्रशासन से कोटा राशन डीलर के बारे में दाल चावल और चना की मांग की। देखिए सिकंदरा राव से धीरज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के फफूंद क्षेत्र के अंतर्गत बाबरपुर रोड पर दुर्गा माता के मंदिर पर हमारे प्रतिनिधि ने जाकर के वहां पर उपस्थित लोगों से, जैसे मंदिर के महंत नाथुराम जी और वहां पर उपस्थित अमित रंजीत कुशवाहा राम जी आदि लोगों से जानकारी के माध्यम से पता लगा कि यहां पर कोरोना काल से पहले बहुत दूर दराज से लोग अपनी मन्नत मांगने आते थे। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वह दोबारा आकर के अपने अपने श्रद्धा भाव से प्रसाद चढ़ाते थे। अंत में यह भी पता चला कि यह मंदिर लगभग 400 वर्षों पुराना है। देखिए फफूंद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। फास्ट इंडिया न्यूज की तरफ से मैं अभिषेक शर्मा यहाँ पर फफूंद क्षेत्र में दुर्गा माता मंदिर में मैं आया हुआ हूँ, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के पुजारी जी से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मुख्य पुजारी जी हैं, इनका पहले हम नाम जानना चाहेंगे, इनका नाम क्या है? नाथुराम दास बाबा जी। इन्होंने अपना नाम नाथुराम दास जी बताया है, और यहाँ पर ये मुख्य पुजारी के रूप में अवस्थित है यहाँ पर। और ये पंडित जी किस देवी देवता का मंदिर है? यहाँ पे दुर्गा माता का, दुर्गा माता का मंदिर है। और यहाँ पर श्रद्धालु कितनी दूर से आते हैं? काफी दूर से यहाँ पर आते हैं। हर साल यहाँ पर भागवत जयंती नौ देवी में होती है, और दशहरा के बाद में नौ देवी में भंडारा भी होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, तो इन लोगों से हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं। जो ये यहाँ पर मंदिर है, ये लगभग कितने साल पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, लगभग कितने साल पुराना? 400 साल। लगभग 400 साल पुराना जो यहाँ पर मंदिर है, ये इन्होंने बताया हुआ है, यानी कि बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी लोग हैं, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं यहाँ पर कितनी कितनी दूर से आते हैं यहाँ पर लोग? करीब 2-3 किलोमीटर से कसरे फफूंद के, मोहल्ला मोतीपुर के, तारपुर के, बाबा जुगा के वगैरह के, इधर साइड के लोग यहाँ आते हैं। भंडारा होता है, चैत में भागवत होती है। यानी कि यहाँ पर इनका कहने का ये मतलब है, ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है के कारण, यानी कि इसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है, और यहाँ पर 5-10 किलोमीटर के लोग भी रेंज में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका दुर्गा माता का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से अभिषेक शर्मा। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है। नए थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने थाना गदरपुर की कमान संभालते ही गदरपुर क्षेत्र के आसपास बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे एसपीओ की मीटिंग लेते हुए उन्हें दिया दिशा निर्देश एवं राज्य सरकार की तरफ से मिले सम्मान के रूप में एसपीओ को जूते वितरित किए। थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने गदरपुर की जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की और कहा कि पुलिस हमेशा आपके साथ है। यदि आपके आसपास किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना होती है तो आप तुरंत थाने में संपर्क करें। गदरपुर शहर में आपराधिक घटनाओं को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। इस समय जो SPO हैं 113 के आसपास हैं, जिसमें से कुछ शूज वगैरह जो सामग्री आई है राज्य सरकार की तरफ से उनको वितरित की जा रही है। और प्राथमिकता की बात, मैं अभी यहाँ पे सेटल हुआ हूँ, और
जो आम जनता है उनको अपराध नियंत्रण और जनता की सुनना और उनके जो वहाँ पे जो उनके जो कार्यप्रणाली है, जो अपराधी हैं उन पर नियंत्रण। हाँ, बड़ी खबरों की ओर। आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानिकपुरा जल भराव के ग्रामीण परेशान, हर रोज होते हैं हादसे की कई बार शिकायत पर नहीं भी हुआ समाधान। ग्रामीण की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि गांव की सड़क और तालाब नालियां एक हो गए हैं। ऐसा ही तहसील बाग के ग्राम मानिकपुरा, जहां गांव की मुख्य सड़क और नालियां एक हो गई हैं, जहां से गांव का मुख्य रास्ता होने की वजह से प्रत्येक ग्रामीणों को वहां से गुजरना पड़ता है। कई बुजुर्ग व्यक्ति व महिलाएं उस रास्ते से निकलते हुए कीचड़ में जा गिरते हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने रास्ते को पानी निकासी के लिए सरकार से लगाई गुहार। आगरा से विद्याराम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? किसी से शिकायत नहीं की आपने? करिए तो कोई ना सुनते। प्रधान से शिकायत की? प्रधान जी तो किता खुले जाऊँ पहाड़ी का पानी, मुझे कहूँ जगह दी से तो पहाड़ किता खुले पहाड़ी का। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह वर्मा जी। गांव कौन सा है? मानिकपुरा। अच्छा, मानिकपुरी। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ समस्या है हमें कीचड़ वाला हुआ का है, यहाँ से रोड तक चंद सिंह के घर से लेके आगे घर तक। अच्छा, कब से समस्या थी ये? समस्या कम से 5 साल हो गए। अच्छा, किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी, किसी ने भी सुना नहीं। अच्छा। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस तहरीर आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बरहैनी निवासी विष्णु मंडल हाट बाजार के पास घूम रहा था कि पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने विष्णु को टक्कर मार दी, जिससे विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ दीप शिखा अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को घटना की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। बरहैनी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जैसे ही हमें तहरीर मिलती है, उसमें अज्ञात, क्योंकि अभी जो जिस वाहन ने टक्कर मारी है वो अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो अज्ञात वाहन में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।